हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू व माता का नाम स्वरूप रानी था। एक संपन्न परिवार में पैदा हुए नेहरू का बचपन तथा उनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर ही हुई। इसके बाद ये 1905 में इंग्लैंड चले गए। वहाँ इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री हासिल की और 1912 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे और इलाहाबाद में आकर के इन्होंने वकील की प्रैक्टिस शुरू की, लेकिन वकालत इन्हें जमी नहीं। इसके बाद ये 1912 में ही कांग्रेस में शामिल हो गए और आजादी के आंदोलन से जुड़ गए। 1916 में इनका विवाह कमला कोल से हो गया। इसके बाद 1921 में इन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और पहली बार गांधी जी से प्रभावित हुए और गांधी जी के विचारों से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि आजीवन उनके विचारों पर चलते रहे। एक युवा नेता होने के साथ साथ जोशीले नौजवान भी थे और 1929 में ही नहीं, इसीलिए कांग्रेस का अध्यक्ष चुन लिया गया। ये कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष चुने गए और इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन में पहली बार आधुनिक भारत की तस्वीर पेश की, जिसमें उन्होंने हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स, राइट टू इक्वेलिटी और बहुत सारी ऐसी बातें रखी जो आज भी प्रासंगिक हैं। और वह नेहरू की इसी सोच के चलते सभी लोगों के चहेते बन गए थे नेहरू। अपनी जवानी के 9 साल नेहरू ने जेल में बिताए हैं। वो करीब करीब 8 बार जेल गए हैं और जवानी के 9 साल उन्होंने जेल में बिताए हैं। 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए, उन्होंने भी नेहरू पर भरोसा जताया था। वो जानते थे कि नेहरू जैसा व्यक्ति ही देश को आगे ले जा सकता है और इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने उस दौर में राष्ट्रीय योजना आयोग का अध्यक्ष नेहरू को ही बनाया था। और नेहरू ने अनेक समितियां बनाई राष्ट्रीय योजना आयोग की, जिन्होंने अलग अलग विषयों पर अपनी रिपोर्ट दी। और जब इन रिपोर्टों को नेहरू ने पेश किया तो सभी मंत्रमुग्ध हो गए थे कि एक ऐसा नेता मिला है देश को जो देश को आधुनिक बनाने के साथ साथ देश के विकास को आगे बढ़ाएगा। नेहरू ने देश में बहुत कुछ ऐसा किया जो आज भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शायद दूसरा कोई ना कर सकता था। नेहरू ने भारत के लिए ना पूंजीवादी और ना ही समाजवादी, बल्कि मिश्रित अर्थव्यवस्था चुनी। आज भी जब हम सोचते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ये नेहरू की देन है। इसके अलावा नेहरू ने विकास के लिए 5 बिंदु बनाए, जिनमें पहला संसदीय लोकतंत्र। भारत में विकास के लिए उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को जरूरी बताया कि लोकतंत्र ही विकास का सबसे बेहतर मॉडल है। लोग ही ये तय करेंगे कि उनके लिए नियम कानून कौन बनाएगा। इसके अलावा इसमें उन्होंने समाजवाद अपने विकास के कार्यक्रम में समाजवाद को रखा। धर्म निरपेक्षता उनका सिद्धांत था। इसके अलावा वैज्ञानिक सोच, नेहरू मानते थे कि भारत की सभी समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक तरीकों में है। और एक पांचवा जो महत्वपूर्ण है वो था योजनाबद्ध विकास। नेहरू मानते थे कि भारत को आज योजनाबद्ध विकास करना होगा, क्योंकि उस टाइम का भारत जो है वो आज का मॉडर्न भारत नहीं था। तब भूख और बंटवारे के साथ शरणार्थी संकट भी देश में था, इसलिए बहुत सी ऐसी समस्याएं थीं जिनसे पार पाना जरूरी था। इसीलिए नेहरू ने देश के विकास के लिए सबसे जरूरी विशाल संस्थाओं का जाल बिछाया। ऐसी ऐसी संस्थाएं बनाई जो आज भारत को महाशक्ति बना रही हैं। इसमें आईआईटी,
IIM जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा 1957 में एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर जो है वो ट्रांबे में खोला गया। इसके अलावा CSIR, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एम्स, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, योजना आयोग और भी बहुत सारी संस्थाएं जिनका जिक्र किया जाना चाहिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, भिलाई स्टील प्लांट 1955 में जो रूस के सहयोग से बनाया गया था, इसे पूरे देश ने एक तीर्थ के रूप में माना था। इसके अलावा भाखड़ा नांगल बांध, अंतरिक्ष के लिए आकाशवाणी की शुरुआत नेहरू ने की, ऐसे तमाम काम थे जो आज भी भारत को एक महाशक्ति बना रहे हैं। नेहरू की सोच बहुत मॉडर्न थी, वो जानते थे कि भारत के विकास के लिए क्या जरूरी है, इसीलिए उन्होंने तब भी कहा था कि सबसे जरूरी है कि हम लोग एक रहें, यानी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना सबसे जरूरी है। धर्म, भाषा, संप्रदाय, क्षेत्र से बढ़कर देश को माना है नेहरू ने, और इसीलिए देश विकास कर सकता है। नेहरू के कार्य को देखते हुए बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। बच्चों को नेहरू बहुत प्रिय थे और इसीलिए 14 नवंबर को उनके जन्म दिवस को देश में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा नेहरू को 1956 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। जब भारत आजाद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी ने भी हम पे भरोसा नहीं किया कि हम टिक पाएंगे, आज़ादी रुकेगी या नहीं, पता नहीं भारत का भविष्य कैसा होगा। लेकिन नेहरू ने अपने विकास से साबित कर दिया कि भारत न सिर्फ आगे बढ़ेगा बल्कि भारत दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया को इसके सामने सर तो झुकाना ही पड़ेगा। इसीलिए अब बाद के दिनों में दुनिया के नेताओं ने नेहरू की तारीफ की। सरदार पटेल ने भी 1949 में नेहरू के बारे में कहा था कि नेहरू और मैं, हम दोनों ही आज़ादी के आंदोलन से पैदा हुए सैनिक हैं। नेहरू एक ऊर्जावान और हमेशा विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं और आज़ादी के बाद इन दो सालों में उन्होंने भारत के लिए जितनी मेहनत की है वो केवल मैं ही जानता हूँ। सरदार पटेल के इन शब्दों को आज भी किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। उनकी विदेश नीति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, हमेशा दुनिया में शांति बनाए रखने के लिए उन्होंने काम किया और इसीलिए गुट निरपेक्ष जो देश थे, दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया फिर से दो पक्षों में बंटने लग गई थी, एक रूस के साथ चला गया था और दूसरा अमेरिका के साथ, लेकिन नेहरू ने ऐसे देशों को मिलाया जो अभी अभी आज़ाद हुए थे और जिन्हें विकास करना था, और यही गुट निरपेक्ष आंदोलन था और नेहरू इसी के जनक थे। नेहरू हमारी आज की विदेश नीति के जो मूल तत्व हैं वो नेहरू की सोच से पैदा हुए हैं। इसके अलावा इन्होंने हमेशा शांति के लिए काम किया। 1954 में इन्हें चाइना के साथ पंचशील समझौता भी किया, हालांकि चीन ने 1962 में हम पर हमला करके उसे तोड़ भी दिया, और आज भी उनके काम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किए गए हैं और हमेशा याद रखे जाएंगे। आज़ादी के बाद नेहरू के वैज्ञानिक समाजवाद से बेहतर विकास का मॉडल नहीं आया है आज तक, और इस जब ये देश का विकास कर रहे थे उसी दौरान 27 मई 1964 को ये उस सफ़र पर चले गए जहाँ से आज तक कोई लौट कर नहीं आया। इनकी समाधि स्थल शांति वन है। Thank you.